हाय डेविड। हाय जॉन। और तुम्हारी पीजी कैसी चल रही है यार? ठीक ठाक चल रही है और अभी तो शुरुआत है। कहाँ जा रहे हो? बस डिपार्टमेंट। ठीक है, बाय। यूं तो कॉलेज का सफर जवानी के चंद सालों तक महदूद रहता है, पर कुछ लोगों का सफर लंबा होता है। डेविड उन लोगों में से है जो दुनिया को कुछ नया देना चाहते हैं, ताकि हमारा आने वाला कल और संवर सके। कोई काम जब ईमानदारी से किया जाता है तो वो काम काम नहीं जुनून बन जाता है। न दिन की खबर न रात का पता, आदमी मुसलसल धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता जाता है। दुनिया का कोई भी काम बिना किसी सरपरस्त के पूरा नहीं हो सकता। ये सरपरस्त डेविड के टीचर हैं, जो राह दिखाते हैं, उस पर चलना सिखाते हैं और डेविड उन पर पूरा यकीन रखता है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। ये मेरा प्रोजेक्ट है। कलम सर, प्लीज सर इसे एक बार देख लीजिए प्लीज। आज मैं बहुत बिजी हूँ सर। प्लीज सर। हाँ तो फिर कल आना। जी अच्छा सर। ओके सर, फाइन। डेविड को अपने टीचर पर पूरा भरोसा है। उनकी हर बात उसके लिए गॉस्पल ट्रूथ है। डेविड की हमेशा यही कोशिश रहती है कि वो अपनी हर कमी को दूर करके अपनी रिसर्च को नायाब बनाए। ये पैशन सिर्फ नाम और शोहरत के लिए नहीं, बल्कि दुनिया को एक नई चीज से रूबरू करवाने के लिए भी है। डेविड ने हर वो कोशिश की जिससे वो अपने टीचर का भरोसा जीत सके, और इसलिए वो घर वालों को भी नजरअंदाज करने में गुरेज नहीं करता। गुड मॉर्निंग सर। डेविड, क्या हुआ, तुम दो दिन से आए नहीं? सर मेरे फादर की थोड़ी तबीयत खराब है। भाई ये सब तो चलता ही रहेगा। ठीक है सर, मैं आता हूँ। जल्दी आओ। ओके सर, मैं आता हूँ। ओके सर। रहीम सर। यस, कम इन। सर आपने बुलाया मुझे? ये बिजली का बिल है। जी जी सर। जरा इसे जमा करके आइए। जी जी सर। आज आखिरी तारीख है इसकी। जी सर। वो परछाई जो डेविड पर साया रखती थी, एकाएक डरावनी सी दिखने लगती है, जिससे बचकर वो भाग भी नहीं सकता। और शुरू होता है घरेलू कामों का सिलसिला। कभी बिजली का बिल, कभी टेलीफोन, तो कभी रेलवे रिजर्वेशन। लाइन में लगा, शांत हो जाओ। शांत हो जल्दी सर, तुम अपना काम करवाओ फटाफट। शांत नहीं, हम बता रहे हैं। अक्सर बच्चों का पैशन मां-बाप की नजरों में नौकरी पाने का महज एक पासपोर्ट होता है। बेटे, हमारे रिटायरमेंट में बहुत कम वक्फा रह गया है, तुम्हारी पीएचडी कब कंप्लीट होगी? बस पापा, हार्ड वर्क कर रहा हूँ। अब जो कुछ करना है वो तुम्हें ही करना है। आदमी जब निराशा में अपनी आंखें बंद करे और सामने कोई रोशनी दिखाई दे, तो ये साफ हो जाता है कि उसका भगवान ठीक उसके सामने खड़ा है। उसे एहसास होता है कि जो रोशनी अब तक उसे बाहर दिखती थी, वो कहीं ना कहीं उसके अंदर मौजूद है। डेविड शायद भूल गया था कि
कि जब भी इंसान कुछ गैर मामूली करने की सोचता है तो ऊपर वाला कदम कदम पर उसके हौसलों की आजमाइश करता है, उसके सब्र का इम्तिहान लेता है और उसके इरादों को परखता भी है। अरे डेविड, और डेविड क्या हाल है? ठीक माइकल, कैसे हो माइकल? बढ़िया हूँ। और क्या चल रहा है? बस वही पीएचडी। क्या यार, अभी तक तुम पीएचडी में लगे पड़े हो? अरे मुझे देखो, मैंने हार्डवेयर डिप्लोमा का कोर्स किया और दुबई चला गया। क्या करें यार, तुम्हारी किस्मत थी तुम्हें दुबई ले गई, मेरी किस्मत है मैं यहीं रुक रहा हूँ और अभी तक पीएचडी कर रहा हूँ। सब खेल किस्मत का है, जिसके साथ में किस्मत है वो कामयाब है। ठीक है माइकल, चलता हूँ, मुझे ज़रा कुछ इंतज़ार कर रहे हैं दोस्त हॉल में। ठीक है, चलता हूँ। और डेविड, पीएचडी कैसे चल रही है तुम्हारी यार? क्या करूँ यार, एक साल होने को आया है, मैं तो वहीं का वहीं हूँ और ऊपर से मेरे सिनॉप्सिस भी नहीं देखे हैं। क्या करूँ बताओ यार, बहुत परेशान हूँ। वही यार, सेम कंडीशन मेरे साथ भी हुई है यार। मेरे घर वालों की उम्मीदें मुझसे बहुत जुड़ी हुई, बहुत जुड़ी हुई है। डेविड का हौसला बुलंद है इस उम्मीद पर कि एक दिन टीचर का जमीर जागेगा, शायद इसीलिए उसकी कोशिशें जारी हैं। यस, कम इन। सर, मैंने आपका बिजली का बिल भी जमा कर दिया और सर ये मेरा प्रोजेक्ट है, जरा इसको एक नजर देख लीजिए। डेविड साहब जी, सर बिजली का बिल तो आपने जमा कर दिया। हाथी के पांव के नीचे सबके पांव होते हैं, क्या आप समझते हैं दो जूतियां घिसने से आप रिसर्च स्कॉलर बन जाएंगे? मेरे अंडर में कई रिसर्च स्कॉलर निकले हैं और आपकी तो अभी काफी रिसर्च बाकी है। सर सर प्लीज, एक बार सर प्लीज। कुछ नहीं किया मैंने प्रोफेसर के लिए, बिजली का बिल जमा किया, टेलीफोन का बिल जमा किया, अब तक पैसे का काम किया मैंने। जा रहा हूँ यार, थोड़ा कह रहा हूँ मैं बहुत तंग।